जय श्री कृष्णा, जय राधे। संत क्या है? संत वो है जो हमारे मन की उलझन को, व्याधा को अथाह रूप से समझा दे, साधारण शब्दों में उसे कह दे और हमें किस भांति अपना जीवन जीना है वो सरलता से हमें बता दे। आज का प्रश्न है, क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? तो यही प्रश्न किसी ने वृंदावन के एक महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछा, तो उन्होंने कहा, आइए जानते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम पूर्ण श्री जी पे आश्रित हैं तो हमें क्या कर्म कांड व्रत रखने की आवश्यकता है, करने चाहिए? जब पूर्ण हो जाओगी तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। अभी पूर्ण नहीं हो इसलिए संशय है, इसलिए प्रश्न आया है। जब पूर्ण हो जाए, पेट भर जाएगा, तो हमें खीर पूरी पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए, प्रश्न आएगा क्या? फिर आपको परोसा जाए। देखो, जब तक तृप्ति नहीं होती तो ऐसे था खीर नहीं, नहीं रहने दीजिए, मतलब परोसो अभी। और जब वो हो जाएगा वैसे नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, ये शरणागति। फिर प्रश्न क्या रह जाएगा? शरणागति के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। अब तो मन वचन कर्म प्रभु को समर्पित, जैसे चाहे चलाए, जैसे चाहे चलाए। अगर प्रश्न है तो अभी समर्पण में कभी है, समर्पण है तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, महाराज जी, विवाह के बाद होता है ना कि जैसे पति से संबंधित व्रत होता है, पुत्र से संबंधित व्रत होता है। पति में राधा वल्लभ भी है, पुत्र में राधा वल्लभ भी है। अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा, एक दिन मत खाओ, समझ रही? अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा। और राधा वल्लभ लाल जी पति में, पुत्र में, जहाँ जो भाव, जब हम उनकी शरण में, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। बात समझ लो, हमें जब कहीं संशय होता है तब हमारे पति जी में भी तो राधा वल्लभ जी है, मेरे पुत्र में भी राधा वल्लभ जी है, उनके सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या परेशान? भले हम करवा चौथ रह रहे पति के लिए, तो हमारे पति राधा वल्लभ लाल है, हम उनके लिए उपवास करके नाम जप कर रहे हैं और लौकिक जो व्यवहार है उन्हीं के लिए कर रहे हैं। गोपी जन, बिल्कुल एक साधारण गृहस्थ जैसा व्यवहार था, पर चिंतन केवल कृष्ण का था। इसीलिए वो महान त्रिभुवन के बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी वंदनी हुई। बात को समझ जा। जब आगे प्रेम की दशा आती है वो अलग बात होती है। हम अपने जहां स्थिति है ना उसके अनुसार चले। पति में प्रेम भगवत भाव से करें, पुत्र का दुलार भगवत भाव, वही है सच्चाई, बात है। वो ना हो तो तुम शरीर को रख ही नहीं सकते। घंटा दो घंटा चार घंटा भले रख लियो, आपसे खा जाए दो चार रात्रि, वही पति है तुम्हारा प्रिय, रख लियो तो पैसा दे के फुकवा दोगे उसके शरीर को, क्योंकि वो चला गया जिससे प्यार करते थे, वही है राधा वल्लभ लाल जी, सबके हृदय में वही है, उनके लिए सब कुछ करना भजन है। व्रत उपवास नियम संयम जो भी लोक मर्यादा का है आप करो। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसे लोकातीत स्थिति कहते हैं।